हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बजरी तोते जब हम ख़रीद कर किसी भी भाई से या मार्केट से लेकर अपने घर पर आते हैं तो वो कितने दिन बाद हमारे घर पर आकर अंडे दे देंगे। तो भाई काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जब बर्ड ख़रीद कर लेकर आते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बजरी तोते कितना टाइम लेंगे अंडे देने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर यंग बजीज पट्ठे सेमी एडल्ट लेकर आते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और अगर एडल्ट बर्ड लेकर आते हैं तो उनको कितना टाइम वो लेंगे आपके यहाँ पर अंडे को देने के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब हम बर्ड लेकर आते हैं अपने घर पर तो हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे बर्ड कितना टाइम ले लेंगे अंडे देने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम एडल्ट पेयर से। मान लीजिए हम एडल्ट पेयर मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं तो वो कितना टाइम लेगा। देखिए, हम एडल्ट पेयर को जब ख़रीद कर लेकर आते हैं तो वो उनकी एज पूरी होती है, एडल्ट मेल फीमेल कंफर्म होते हैं हमारे। तो हम जब उसको केज में रिलीज़ कर देते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा टाइम वो हमारे माहौल में घुलने मिलने में सेट होने में ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब बर्ड नई जगह पर आता है तो थोड़ा घबराया हुआ रहता है, थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए आपके माहौल में घुलने मिलने के लिए, आपको पहचानने के लिए, आपको समझने के लिए। तो लगभग 15 दिन आपके बर्ड जो हैं एडल्ट पेयर इस बात के लिए ले लेंगे कि वो आपके माहौल में घुलेंगे मिलेंगे, आपके घर को समझेंगे, आपको समझेंगे। तो 15 दिन का टाइम बर्ड्स को सेट होने के लिए चाहिए। उसके बाद दोस्तों बर्ड पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अगर एडल्ट हैं, मेल फीमेल कन्फर्म है। तो 15 दिन के अंदर दोस्तों उनका पेयर लग जाएगा। तो एक महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स जो हैं मेल फीमेल एक दूसरे को दाना खिलाना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को फीड कराने लगेंगे, एक दूसरे का सिर खुजाएंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। अगर एक महीने के अंदर आपके एडल्ट बर्ड इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप चेक करें किस बर्ड में आपके कमी है, जो एक्टिविटी नहीं कर रहा है उसको आप चेंज करके दूसरा बर्ड लेकर आएँ। तो दोस्तों एक महीने आपका बर्ड जो है पेयर लगाने में लगा देगा। उसके बाद आपको मटकी लगानी है। कभी भी हमें स्टार्टिंग से मटकी नहीं लगानी है, और ये याद रखिए कि मटकी लगाने के बाद ही ब्रीड होती है। अगर मटकी नहीं लगी है, बॉक्स नहीं लगाए, तो बर्ड कभी भी ना तो मैटिंग करेंगे ना ही अंडे देंगे। तो इसलिए आपको जब देखें कि आपके बर्ड्स की पेयरिंग हो गई है उसके बाद आपको मटकी लगानी है। आप फीमेल का काम स्टार्ट होता है मटकी को सिलेक्ट करने का। तो फीमेल दोस्तों मटकी को सिलेक्ट करने के लिए कभी मटकी के ऊपर बैठती है, कभी बाहर से मटकी को झांकती है, थोड़ी देर मटकी में जाती है, फिर बाहर आ जाती है। इस तरह से फीमेल करती रहती है। कुछ फीमेल जो होती हैं 3-4 दिन में ही मटकी को सिलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ फीमेल कन्फ्यूज रहती हैं थोड़ा, तो वो 8-10 दिन ले लेती हैं। तो हम एक वीक मान के चलते हैं कि एक वीक फीमेल जो है मटकी को सिलेक्ट करने में लगा देती है। उसके बाद मैटिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। मैटिंग होती रहती है, एक दिन में 2-2, 3-3 बार मैटिंग होती है, और लगातार मैटिंग चलती रहती है 8-10 दिन तक। तो मैटिंग होने के 7 दिन बाद, जिस दिन फर्स्ट मैटिंग स्टार्ट होगी उसके 7 दिन बाद पहला अंडा मटकी के अंदर आ जाता है। तो यानी एक महीना हमारे पेयर ने पेयर लगाने में लगाया। उसके बाद दोस्तों एक वीक लगेगा फीमेल को मटकी सेलेक्ट करने में, एक वीक लगेगा मैटिंग से अंडे आने में। तो लगभग 1.5 महीने के अंदर एडल्ट बर्ड आपके घर पर ब्रीड कर देंगे, अंडे दे देंगे। अगर इसकी इस तरह से अगर आपके यहाँ पर नहीं हो रहा है, आपके बर्ड ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको बर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम लोग पट्ठे लेकर आते हैं या सेमी एडल्ट लेकर आते हैं तो वो कितना टाइम ले लेंगे। देखिए, जब हम पट्ठे या सेमी एडल्ट बर्ड ख़रीद कर लेकर आते हैं तो नॉर्मली उनकी एज 3 महीने की होती है। 3-3.5 महीने की एज में लोग जो है अपने जो बर्ड्स के चिक्स वगैरह निकलते हैं उनको सेल कर देते हैं। तो जब हम पट्ठे या सेमी एडल्ट लेकर आते हैं तो दोस्तों अब हमें उनको चाहिए कि 2 महीने तक हम उनकी केयर करें, उनको बिल्कुल मटकी ना दें, उनसे ब्रीड की उम्मीद ना करें। 2 महीने तक हमको उनकी अच्छी डाइट देनी है, उनको प्राइवेसी देनी है, केयर करनी है,
उसके बाद 5 महीने की जब एज हो जाती है बजीज पैरट की, तब वो ब्रीड करने के लायक होते हैं। कुछ भाई ये सोचते हैं कि बर्ड ख़रीद कर लेकर आ गए, उनके बर्ड्स अभी सेमी एडल्ट होते हैं या पट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे के पास बैठते हैं, सिर खुजाते हैं, तो भाई सोचते हैं कि बर्ड का प्यार लग गया, ब्रीड नहीं हो रही मटकी लगने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है, जब तक बर्ड की 5 महीने की बजरी तोतों की उम्र नहीं होती है वो अंडे नहीं देते हैं। तो जब आपके बर्ड्स आप ख़रीद कर लेकर आए सेमी एडल्ट या पट्ठे, तो अभी आपको 2 महीने वेट करना है, उसके बाद आपको मटकी लगानी है। तो 2 महीने का टाइम ये निकला, उसके बाद आपके बर्ड्स पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो वो इस टाइम में सेमी एडल्ट होते हैं, उनको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होता किस तरह से फीमेल मेल पेयरिंग करनी है, किस तरह से मैटिंग करनी है, मेल को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता फीमेल को किस तरह से ब्रीड पर लाना है, किस तरह से उसको मटकी की तरफ लेकर जाना है। तो 1 महीने का टाइम मटकी लगने के बाद फीमेल मटकी को सिलेक्ट करने में, मैटिंग स्टार्ट होने में लग जाता है, तो लगभग 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद मैटिंग स्टार्ट होती है और अंडे आने में कभी कभी फर्स्ट ब्रीड होती है तो 7 दिन में अंडे नहीं आते, 8 से 10-12 दिन भी लग जाते हैं। कुछ भाई घबरा जाते हैं कि भाई मैटिंग चल रही है, 7-8 दिन हो गए अंडे नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, कहीं फीमेल को चर्बी तो नहीं है। देखिए फर्स्ट टाइम जब ब्रीड होती है तो बर्ड्स के हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, मेल प्रॉपर तरीके से मैटिंग नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि मेल मैटिंग करने की कोशिश करता है और गिर जाता है, क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग हुई है मैटिंग करने की, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इसलिए जल्दी अंडे नहीं आते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो 10-12 दिन अंडे आने में लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने घर पट्ठे लेकर आते हैं दोस्तों, तो 3.5-4 महीने का आपको टाइम चाहिए उनसे अंडे लेने के लिए, तो आपको लगभग 4 महीने वेट करना होगा, उसके बाद ही आपके घर पर अंडे आएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हम बर्ड लेकर आए और वो फौरन हमारे यहाँ ब्रीड कर देंगे। कुछ भाई ऐसा करते हैं कि किसी भाई के यहाँ से पेयर लेकर आते हैं जो कि पहले ब्रीड कर चुका होता है, अंडे दे चुका होता है, और उनके घर पर आकर वो अंडे नहीं देता तो वो परेशान हो जाते हैं। देखिए भाई बर्ड जब दूसरी जगह जाता है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अब उसको टाइम चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए, जब वो पूरी तरह से आपके यहाँ पर घुल मिल जाएगा तभी वो ब्रीड करेगा। तो दोस्तों बर्ड से ब्रीड लेने के लिए अच्छी डाइट और केयर के अलावा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सब्र करना पड़ता है, आप जल्दबाजी मत करिए। देखिए आप सब्र करेंगे तो उसको आपको फल मिलेगा और आपके बर्ड जो हैं अंडे भी देंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि आपके बर्ड 4-5 महीने हो गए एडल्ट भी हैं फिर भी ब्रीड नहीं हो रही है, तब इशू है, आपको उन बर्ड को चेंज करके नए बर्ड को लेकर आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी नई वीडियो में। गुड बाय।